मिस कोमल सूरी, मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे नाम पर ब्लैक वारंट जारी हुआ है। अदालत ने जो सजा तुम्हारे लिए तय की है उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। आज सुबह ठीक 5:30 बजे तुम्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। अगर तुम्हारी कोई विशेष अंतिम इच्छा हो तो बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जीता रे बेटे, क्या बात क्या है? माँ भगवान ने तेरी सुन ली। हाँ? क्या हुआ पर? तेरा बेटा एपीपी बन गया है माँ। एपीपी? एपीपी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा। अब मैं सरकार की तरफ से गुनेगार और मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा और उन्हें सजा दिलाऊंगा। पिताजी का ये सपना था ना माँ, आज वो पूरा हो गया। हाँ बेटे, उनकी यही इच्छा थी, वो भी जिंदगी भर जुर्म और अन्याय के खिलाफ ही लड़ते रहे। पर एक बात याद रखना बेटे, इंसाफ के मंदिर में कभी भी ईमानदारी के प्रकाश का दामन मत छोड़ना। हाँ मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ईमानदारी, इंसाफ और सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रसाद, पहले भगवान के पैर छूकर आ जा बेटे। अच्छा। हेलो शर्मा, एक्विट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सी यू लेटर, बाय। मैं कमल सर। ओ प्रकाश, आओ भाई आओ। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर आप तो मेरे गुरु भी हैं। प्रकाश, तुम बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हो, तुमने आशीर्वाद मांगा है, मुझे गुरु कहा है, तो मैं भी एक बात कहूंगा तुमसे। देखो प्रकाश, हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह एक किसी दलदल के समान है जी। होशियार आदमी वही है जो इस दलदल को सही सलामत पार कर जाए, और वो तब होगा जब इंसान के हाथ में कामयाबी की मजबूत रस्सी हो। नसीहत के लिए शुक्रिया सर, मैं आपकी बात को हरदम याद रखूंगा। गुड, बैठो बैठो। बैठो प्रकाश। प्रकाश, ये कुछ फाइलें हैं जिन्हें तुम गौर से देख लेना। वैसे तुम अपनी जिम्मेदारी को तो अच्छी तरह समझते हो। प्रकाश, तो मैं चलता हूं, मुझे जस्टिस श्रीवास्तव का कोर्ट अटेंड करना है और 2-4 जमानत के केसेस हैं, वो तुम निपट लेना। जी। चलो चलता हूं, बाय।
पूछता हूं कौन है। प्रकाश, प्रकाश। यस सर। मैंने तुम्हें कई फाइल दिए थे, उसमें एक सुंदरलाल की एक फाइल थी, वो फाइल मुझे दे दीजिए। प्रकाश, वो फाइल दे दीजिए प्लीज। सर वो, हाँ हाँ वो सुंदरलाल वाली फाइल। अरे हाँ, यही तो फाइल है। सर वो, ये तो फाइल है, देखो। ओके। वकील बाबू, प्रकाश बेटे आ गया तू, कैसा रहा आज का दिन अदालत में? ठीक ठाक रहा माँ। जा बेटे हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है तो तैयार हो जा, मैं चाय बना देती हूँ। क्या हुआ बेटे? मम, बाथरूम के शीशे में खून से कुछ लिखा जा रहा है। क्या? मैं देख के आती हूँ।
अरे बेटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शीशे पे तो कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। बेटे, वहां तो कुछ भी नहीं। नहीं माँ, वहां पे। बेटे, ये अदालतों में खून खराबे के सिवाय और होता ही क्या है? ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे, ये घर है अदालत नहीं। अरे हाँ, तुझे बाहर जाना है ना? हाँ। तू तैयार हो जा, मैं चाय लाती हूँ। प्रकाश, क्या बात है, इतने गुमसुम से हो, कुछ भी बात नहीं कर रहे हो। आज तुम्हारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का पहला दिन था और ना कोई ट्रीट की बात, ना कोई डिनर की बात, इतने सीरियस हो। अरे कहीं इतने सीरियस होकर तुम्हारा ट्रीट कॉल करने का इरादा तो नहीं है ना? एंड बिलीव मी, अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हें कंजूस मक्खी चूस कहूंगी। नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है अंजलि? तुम्हें याद है आज से 6 महीने पहले अदालत ने कोमल सूर्य नाम की एक लड़की को मौत की सजा दी थी, याद है? हाँ याद है मुझे, काफी सनसनी फैला दी थी उस खबर ने। एक लड़की होकर उसने ऐसा अपराध किया था और उसकी सजा भी मिली थी उसे। लेकिन प्रकाश, ये हमारे डिनर के बीच में कोमल सूरी कहां से आ गए? अंजलि, आज सुबह से मैं बहुत परेशान हूं इसी बात को लेकर। ऐसे कैसे? अंजलि, आज जब ऑफिस में मैं अपने केस की पहली फाइल देख रहा था तो उस फाइल पे स्टेट वर्सेस सुंदरलाल लिखा था। यार वो अपने आप मिट गया अचानक, और उस पे खून से लिखा हुआ आ गया स्टेट वर्सेस कोमल सूरी। ये क्या प्रकाश, तुम्हारे सर पर पहले दिन से ही एपीपी सवार हो गया? प्लीज अंजलि, बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूं। वो फाइल सुंदरलाल की थी, इट वॉज सुंदरलाल फाइल। अच्छा इस बात को छोड़ो, आज सुबह जब मैं नहा रहा था तो वॉश बेसिन के शीशे पे भी खून से लग गया और अपने आप मिट गया। यार ये हो क्या रहा है? प्रकाश, ये सब कुछ कहकर तुम मुझे बहुत डरा रहे हो। अंजलि, I am serious. देखो प्रकाश, अगर मैं कोई साइकाइट्रिस्ट होती मैं तुम्हें बता सकती कि क्या बात है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि कभी कभी इंसान के जहन में कुछ बातें घर कर जाती हैं, उन्हें निकाल देना अच्छा होता है। प्रकाश सुनो, इधर देखो, इन सब बातों को, वहमों को, सपनों को अपने मन से निकाल दो और आज के इस शुभ दिन पर अपनी प्रेमिका को एक स्वादिष्ट स्वादिष्ट चाइनीज डिनर करवाओ। चलो फ्लोराइड चलते हैं। चलो। मुझे बचा लो।
कौन है? मुझे बचा लो बाबू, मेरी मदद करो। मेरा नाम कोमल सूरी है। सुनो, हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, वकील प्रकाश को सरकार की तरफ से तरक्की के तौर पर कौन सा ओहदा दिया गया? प्रश्न एक बार फिर, वकील प्रकाश को सरकार की तरफ से तरक्की के तौर पर कौन सा ओहदा दिया गया? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर अगले शनिवार तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य। मुझे बचा लो, कौन है? मुझे बचा लो बाबू, मेरी मदद करो। मेरा नाम कोमल सूरी है। सुनो, बेटे ये तू क्या कह रहा है? अब अदालत की बातें भी तेरे सपने में आने लगी। माँ मैं कैसे समझाऊं आपको मैम? ये किस सपने की बात हो रही है भाई? देख तो अंजलि बेटा, अब इसके सपने में वो अंजलि, मैंने कोमल सूरी को सपने में देखा। देखे ना माँ, देख लीजिए, अब ये तो सरासर ज्यादती है ना। क्या ज्यादती? फिर भी मेरे होते हुए तुम किसी और लड़की के बारे में सोचो तो ये गलत है ना, है ना माँ? प्लीज अंजलि, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम सच नहीं कह रहे हो। एंड मिस्टर प्रकाश, इसे एक बात तो बहुत साफ है। क्या बात? वही जो कल रात मैंने तुम्हें कहा था। प्रकाश, 6 महीने पहले कोमल के साथ जो हादसा हुआ उसका तुम्हारे दिलो दिमाग पर बहुत असर पड़ा है। यही कारण है कि अभी वो सब कुछ वहम बनकर तुम्हारे सामने आ रहा है, कभी ख्वाबों का रूप लेकर। इससे तुम्हें निकालना पड़ेगा प्रकाश। नहीं, तुम ये सही कह रही हो, ये सब वहम और ख्वाब की बातें हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यू आर राइट। अगर तुम्हें ये सब कुछ सच लगता है तो फिर सारी बातें अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते?
अब यही करना पड़ेगा। खैर मुझे जल्दी से अदालत जाना है, पुलिस ने एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम को पकड़ा है और इसे पुलिस रिमांड में लेना है। सुना है उसका बड़े लोगों में बहुत दबदबा है। ठीक है मैं चलता हूँ माँ। चलो तुम निकलो, लेकिन मैं तो माँ के साथ ही बैठूंगी। अरे भाई ये बैठना बिठाना छोड़ो और तुम दोनों जल्दी से शादी करके इस झंझट को खत्म करो। खैर मैं अभी वो झंझट पहले निपटा लूं उसके बाद। अच्छा चलता हूं। अंजलि बेटा, दो दिन से इसकी बातें सुनकर मुझे तो बेटा डर सा लग रहा है। आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ? कभी कभार जिंदगी में ऐसा हो जाता है, कुछ वहम जहन में घर कर जाते हैं। लेकिन माँ प्रकाश कोई डरपोक तो नहीं है, और फिर वहम और ख्वाब तो भूल जाने की चीजें होती हैं। अब सब ठीक हो जाएगा माँ। हाँ बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए माँ नाश्ता कर लीजिए। चल प्रकाश जी, बड़ी मुश्किल से यह मुजरिम कानून की गिरफ्त में आया है, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे दिल में ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल हमदर्दी नहीं है जो देश के दुश्मन है, कानून के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है। जी डोंट वरी, उसकी जमानत नहीं होगी। थैंक यू। या थैंक यू वेरी मच। मिस्टर प्रकाश, मिस्टर प्रकाश। सर आप? क्यों भाई, मुझे इस तरह देखकर चौंक क्यों गए? नहीं सर, सर वो आप तो डिफेंस लॉयर हैं और मैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, हम दोनों को साथ में देख के तो कोई भी चौंक जाएगा, और वैसे भी आग और पानी का मिलाप नहीं हो सकता ना सर। प्रकाश रियली बहुत इंटेलिजेंट हो। सर आज आपने आने की तकलीफ कर सकी। प्रकाश मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर सर? बताता हूं, लेकिन यह भी जान लो कि इसके बदले में तुम उससे जो मांगोगे मिलेगा। सर आपने असली बात नहीं बताई। आज अदालत में फकीरा की जमानत की हियरिंग है। नहीं सर, वो फकीरा की जमानत हो ही नहीं सकती, पुलिस ने उसको इतनी मुश्किलों के बाद पकड़ा है और अब तो पुलिस के पास इतने सबूत हैं कि। अरे भाई ये सब मैं जानता हूं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम अदालत में फकीरा की जमानत के खिलाफ ज्यादा जोर मत डालना। अगर फकीरा की जमानत हो गई तो मैं तुम्हें पुश कर दूंगा। वकील साहब, आपने तो अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पेशे में गुजारा है, बहुत नाम कमाया है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत इज्जत भी कमाई है, बहुत से मुकदमे जीत गए, और आज आप मुझे मुजरिम की तरफदारी करने के लिए कह रहे हैं? नहीं मिस्टर प्रकाश, ऐसा नहीं है। ये बात तो हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक अदालत में किसी पर जुर्म साबित ना हो तब तक वो मुजरिम नहीं होता, और अब तक फकीरा पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ इसलिए वो मुजरिम नहीं मुल्जिम है। वकील साहब आप कब तक कानून के इस नुक्ते का यूं ही फायदा उठाते रहेंगे? आप और मैं दोनों इसी शहर में रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फकीरा कौन है और क्या है। ये काम मुझसे नहीं होगा सर।
मैं अपने फर्ज, अपने पेशे, अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा सर। फकीरा की जमानत नहीं होगी। एक्सक्यूज मी सर। सर आपके लिए चाय भेजो। मैं यहां चाय पीने नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है, अंदाजा है? स्वामी साहब, अगर फकीरा रिमांड पर चला गया तो नुकसान का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। और स्वामी अपना नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस लौंडे का तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रकाश सर आ? हाँ देखो प्रकाश, ये फाइल मुझे दे दो, इस केस को मैं देखूंगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं प्रकाश, दरअसल तुम्हारे घर से फोन आया है, तुम्हारी मदर का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। लाइए ये फाइल मुझे दे दीजिए, इस केस को मैं देख लूंगा।
चौबे लौंडे, बहुत गर्मी है तेरे अंदर। तू क्या समझता है तेरी ईमानदारी से चलेगा ये देश? हाँ देखिए, मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन हैं, लेकिन इस वक्त बहुत जल्दी में हो, हटिए आप लोग। ए चिल्ला मत, वो फोन मैंने ही करवाया था। और सुन, तेरी बुरी माँ का एक्सीडेंट करवा के हमें क्या मिलेगा? हाँ अगर तू मर गया तो फकीर की जमानत जरूर हो जाएगी। तो आपने ये सब उस मुजरिम को बचाने के लिए किया था? कौन है आप लोग? तूने स्वामी से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। अब तू शहर में नहीं रह सकता। तू जिस तरह का आदमी है, तेरे तो हाथ में तोड़ने से भी काम नहीं चलेगा। तुझे तो सीधा ऊपर ही पहुंचाना होगा। ए देख क्या रहे हो तुम लोग, मेरे जाते ही इसे खत्म कर दो। सूरी? हाँ, 6 महीने पहले मुझे सजाए मौत मिली थी। कानून ये समझता है कि मुझे न्याय मिला, पर कानून को ये नहीं पता कि मेरा कत्ल हुआ है। What? ये क्या कह रही हो तुम? This is not possible. तुम्हारा कत्ल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ये बात अलग है कि कातिल ने मेरे कत्ल के लिए एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे मुझे तो मौत मिली, लेकिन कातिल वो साफ साफ बच निकला। तुम्हारी ये पहेली मेरे समझ में नहीं आ रही। इसी पहेली को तो सुलझाने के लिए मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। अगर किसी इंसान को, बेगुनाह इंसान को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, सजा या कत्ल? तुम्हारी दलील मैं नहीं मानता। मैंने तो खुद ने तुम्हारे केस की सारी प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। और हाँ, तुमने तो खुद ने अदालत में एक बाले जुर्म किया था ना? हाँ मैंने एक बाले जुर्म किया था। फिर तुम कानून को कैसे दोषी ठहरा सकती? मैं कानून को दोष नहीं दे रही हूं, मैं उस आदमी को दोषी बताना चाहती हूं जिसने मुझे एक बाली जुर्म करने पर मजबूर किया। अगर किसी ने तुम्हें एक बाली जुर्म करने पर मजबूर किया है तो वो यकीनन तुम्हारा कातिल है। कौन है वो? उसका नाम है एडवोकेट भूरेलाल। वो एडवोकेट भूरेलाल? मगर वही तो तुम्हारे डिफेंस लॉयर थे, वो तुम्हारे कातिल कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं और इसलिए बार बार मैं तुम्हारे पास आती रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इस सच्चाई को समझो, मेरी मदद करो। ये बात पिछले अक्टूबर की है, दशहरे का दिन था और पूरे शहर में डांडिया रास का माहौल गर्म था।
आगे क्या हुआ? गोली तो अजय को लग गई। अजय 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 उठो, अजय अजय ये क्या हो गया? अजय उठो, अजय प्लीज अजय। कोमल, ये तूने क्या किया? अजय का खून कर दिया? मैंने 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 कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तुमसे मेरी हंसती खेलती जिंदगी देखी नहीं गई। अजय तुम्हारा नहीं हो सका तो तुमने मुझसे ऐसे छीन लिया। तुम औरत नहीं, डायन हो, डायन। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। क्या मिला तुम्हें मेरी दुनिया बर्बाद करके? मैं अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। छोड़ दो मुझे, जान से मार दूंगा मैं इसे। यकीन मानिए, ये खून मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये खून कैसे हुआ। खामोश, तुमने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? मुझे नहीं पता। अजय की लाश के पास पिस्तौल लेकर तुम खड़ी थी। मैं नहीं जानती। और इस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। मुझे कुछ नहीं पता। और हमें ये भी पता चला है कि अजय मकवाना के साथ तुम्हारे संबंध थे, प्रेमी था वो तुम्हारा। लेकिन उसने मुझे प्यार में धोखा दिया। रुपयों के लालच में आकर उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। और कुमार स्वामी की बेटी अलका से शादी कर ली उसने। बस, यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। और डांडिया में अजय को अपनी पत्नी अलका के साथ डांस करते देख तुम्हारे दिल में नफरत की भावना जाग उठी। ये तो इत्तेफाक की बात थी कि उस वक्त लाइट चली गई और मौके का फायदा उठाकर तुमने उस पिस्तौल से अजय के अंदर सारी गोलियां उतार दी। कोमल, कोमल, अंकल, अंकल। हाँ बेटी, जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस ने तुम्हें अजय के केस में गिरफ्तार कर लिया है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अंकल, पुलिस ने मुझे अजय के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। आई नो बेटी, जानता हूँ, तुझे भी और उस अजय मकवाना को भी। पर अंकल, सब लोग यही समझते हैं कि ये कत्ल मैंने किया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो मैंने देख ली है और मैंने उस पिस्तौल को भी देख लिया है जिस पर ये पुलिस वाले तुम्हारी उंगलियों के निशान होने का दावा कर रहे हैं। मैं नहीं जानती अंकल कि वो पिस्तौल किस तरह से मेरे हाथ में आई थी। बेटी, पुलिस के पास बस यही एक पुख्ता सबूत है तेरे खिलाफ, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं एक वकील हूं, कानून को अच्छी तरह समझता हूं। जिस पिस्तौल ने तुझे इस केस में फंसाया है वही पिस्तौल तुझे इस केस से बाइज्जत आजाद कराएगी। बेटी कोमल, तू मेरी बेटी समान है, हौसला रख। इस केस से तुझे बचाना मेरा फर्ज है। मैं वादा करता हूं बेटी के तेरे साथ पूरा इंसाफ होगा। चलता हूं बेटी, हौसला रख। एक्सक्यूज मी, आप मेरी कुर्सी पर बैठे हैं, एंड बाय द वे कौन है आप? स्वामी, कुमार स्वामी कहते हैं मुझे। अच्छा, तो आप हैं स्वामी,
बड़ा नाम सुना था आपका, दर्शन नहीं हुए थे, कहिए यहां आने की जहमत कैसे की? आना पड़ता है, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। मैं समझा नहीं। भूरेलाल जी, आपको ये तो मालूम होगा कि कल रात जिसका कत्ल हुआ वो मेरा दामाद था। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप इस सिलसिले में यहां पर आए तो एक बात मैं आपसे साफ साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं उस मासूम लड़की कोमल सूरी का डिफेंस काउंसिल हूं। भूरेलाल जी, अभी तो मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ और आपने उस लड़की कोमल सूरी, जो कि मेरे दामाद की कातिल है, उसे बेगुनाह भी साबित कर दिया। मैं क्या साबित करूंगा, कोमल सूरी बेगुनाह है और पुलिस ने उसे इस तरह परेशान करके, उसे इस केस में फंसा कर बहुत बड़ी गलती की है। और कल तो मैं अदालत में पुलिस की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि सारा जमाना तमाशा देखेगा। और यह साबित करने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी कि एक भोली भाली सीधी सादी मासूम लड़की के हाथ एक जर्मन रिवॉल्वर कैसे आ सकता है, और वो भी बगैर लाइसेंस के, जबकि ऐसे खतरनाक हथियार तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड वालों के पास होते। भूरेलाल जी, फर्ज कीजिए कि आपने मुकदमा जीतकर उस लड़की को बचा भी लिया, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ नाम और यश? आप मेरे बारे में बहुत चिंतित हैं, वजह जान सकता हूं? वजह साथ में लाया। स्वामी साहब, ये तो सिर्फ शगुन है भूरेलाल जी। हम तो आपकी फीस तब अदा करेंगे जब आप इस मुकदमे का फैसला हमारे हक में करेंगे। लेकिन स्वामी साहब, कोमल ने ये खून नहीं किया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बेगुनाह है। कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार, इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो ही बेहतर है। भूरेलाल जी, आदमी बना रहने में जो मजा है, वो मजा फरिश्ता बना रहने में नहीं। फैसला आपके हाथ में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना अंकल। देखो बेटी, इस केस पर मैंने बहुत गौर किया, इसे बहुत गहराई से स्टडी किया, और फिर पुलिस ने तो तुम्हें इस केस में मुजरिम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे और अजय के संबंध के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, और पुलिस ने इसी बात को मुद्दा बनाकर इस केस को पेश किया और फिर पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान, और तुम्हारे खिलाफ एक नहीं बल्कि कई चश्मदीद गवाह, जिन्होंने रात के अंधेरे में गोलियों की आवाजें और अजय की चीखें सुनी, और फिर उजाले में तुम्हारे हाथ में पिस्तौल और अजय की लाश खून में लथपथ देखी। लेकिन अब मेरा क्या होगा अंकल? आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे बचा लेंगे। यकीन मानिए अंकल, मैंने ये गुनाह नहीं किया।
मेरा भगवान जानता है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया। जानता हूँ मेरी बच्ची, सब जानता हूँ, इसीलिए तो इतना परेशान हूँ। इस सिलसिले में कई सीनियर वकीलों से बात कर चुका हूँ और अपने एक जज दोस्त से भी सलाह मशवरा कर चुका हूँ, और अब मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस केस में तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। रास्ता? वो क्या रास्ता है अंकल? देखो बेटी, अब तुम्हें पूरा हक है मेरी बात मानने या ना मानने का। बताइए तो सही अंकल, बात क्या है? आपकी बात ना मानूं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बाप अपनी बेटी का भला ही चाहेगा ना, बताइए अंकल क्या बात है वो? बेटी, तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास, और वो ये है कि तुम्हें ये गुनाह कबूल करना पड़ेगा। क्या? एडवोकेट भूरे लाल की बात मानकर मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सरकारी वकील मुझ पर गिद्ध की तरह झपट पड़ा। ऐसे लगा जैसे ये लोग मेरे इकबाले जुर्म का इंतजार कर रहे थे। दलीलों की झड़ी लग गई, मैं खामोश रही। फिर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। औरत समाज को जन्म देती है, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, लेकिन जब ये औरत खूनी बनकर समाज के सामने खड़ी हो जाती है, कत्ल कर देती, ऐसी औरत किसी भी हमदर्दी के हकदार नहीं हो सकती। मुजरिम कोमल सूरी, ये अदालत मिस्टर अजय मकवाना के कत्ल के जुर्म में ताजरात हिंद 302 के तहत तुम्हें सजाए मौत सुनाती। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, गैंगस्टर स्वामी अपने सारे गैर कानूनी काम किससे करवाता था? प्रश्न एक बार फिर, गैंगस्टर स्वामी अपने सारे गैर कानूनी काम किससे करवाता था? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर अगले शनिवार तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विजेताओं को मिलेगा। इस केस में तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। रास्ता? वो क्या रास्ता है अंकल? बेटी, तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास, और वो ये है कि तुम्हें ये गुनाह कबूल करना पड़ेगा। क्या? एडवोकेट भूरे लाल की बात मानकर मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सरकारी वकील मुझ पर गिद्ध की तरह झपट पड़ा। ऐसे लगा जैसे ये लोग मेरे इकबाले जुर्म का इंतजार कर रहे थे। दलीलों की झड़ी लग गई, मैं खामोश रही। फिर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। औरत समाज को जन्म देती है, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, लेकिन जब ये औरत खूनी बनकर समाज के सामने खड़ी हो जाती, कत्ल कर देती, ऐसी औरत किसी भी हमदर्दी के हकदार नहीं हो सकती। मुजरिम कोमल सूरी, ये अदालत मिस्टर अजय मकवाना के कत्ल के जुर्म में ताजरात हिंद 302 के तहत तुम्हें सजाए मौत सुनाती। मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे नाम पर ब्लैक वारंट जारी हुआ है। अदालत ने जो सजा तुम्हारे लिए तय की है उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। आज सुबह ठीक 5:30 बजे तुम्हें यहां से ले जाया जाएगा। अगर तुम्हारी कोई विशेष अंतिम इच्छा हो तो बता दो। मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने कुछ नहीं किया। एपीपी मिस्टर प्रकाश, अब ये सवाल मैं आपसे करती हूं, क्या मेरा कत्ल नहीं हुआ? क्या मेरा कत्ल एडवोकेट बोरेलाल ने नहीं किया? तुम ठीक कह रही हो गोबर, ये कत्ल है। दिस इज अ मर्डर, और इसके गुनहगार को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन कोमल अभी भी एक बात पर्दे के पीछे है, क्या आखिर अजय का असली कत्ल है कौन? अजय का कत्ल उस शख्स ने किया है जिसने आज तुम पर हमला करने की कोशिश की। क्या? हाँ, उसका नाम फकीरा है। वो स्वामी के इशारे पर हत्याएं करता है। वो एक पेशावर कातिल भी है, और इसलिए स्वामी उसे जमानत पर रिहा करवाना चाहता है ताकि वो पुलिस रिमांड में कहीं सच्चाई न बोल दे। ओ, तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे मेरी मां के एक्सीडेंट की झूठी खबर क्यों दी गई थी। तो इसका मतलब यह हुआ कोमल की सारी साजिश में स्वामी भूरीलाल और स्वामी की बेटी भी शामिल है? हा? नहीं, इस साजिश में अलका शामिल नहीं, बल्कि उसे तो यह भी नहीं पता कि अजय उसके बाप को ब्लैकमेल करता था, और इसलिए उसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अब मैं पूरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया। काश काश आज मैं अदालत में होता तो फकीरा की जमानत कभी नहीं होने देता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह भी अजीब इत्तफाक है कि मजिस्ट्रेट मोहन कुमार आज अदालत ना आ सके। अब फकीरा की जमानत का केस कल पेश होगा। श्यामलाल वल्क काशीराम, तुम पर पुलिस ने दफा 302, 307 और 384 के तहत जुर्म आयत किए, क्या तुम्हें जुर्म कबूल है? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इससे पहले कि सरकारी वकील साहब कुछ कहें, मैं अदालत से एक दरखास्त करना चाहता हूं। मैं इस मासूम और बेगुनाह फकीरा का डिफेंस काउंसिल हूं। बड़ी अजीब बात है योर ऑनर, आजकल शहर में जब भी कोई वारदात होती है तो पुलिस किसी कमजोर इंसान को पकड़कर उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे अदालत के सामने पेश कर देती है, और यह बेचारा फकीरा तो एक बहुत ही सीधा साधा आदमी है। योर ऑनर, मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस इस पर कोई ज्यादती करके इससे जबरदस्ती कुछ कहलवाने की कोशिश करे, इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि मेरे मवक्किल फकीरा की जमानत मंजूर कर ली जाए। That's all your honor. सरकारी वकील का इस बारे में क्या कहना है? आपको कोई एतराज तो नहीं? No, your honor. है your honor, एतराज है। Sorry, sir. योर ऑनर, स्टेट को इस बात पे सख्त एतराज है। मिलॉर्ड, मैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रकाश गोस्वामी, और इस केस में स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, पुलिस ने फकीर ऑफ श्यामलाल पर जितने भी चार्जेस, जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो कम है। मिलॉर्ड, ये शख्स रुपया लेके हत्याएं करता है, किराए का कातिल है, एक पेशावर मुजरिम। ना जाने शहर के कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की जान ली इस इंसान ने, पर क्योंकि इस पे शहर के बहुत बड़े आदमी का हाथ है, इसलिए आज तक कानून के शिकंजे से बचता रहा है। और ऐसे लोगों को एडवोकेट भूरेलाल जैसे कानून के माहिर लोग मिल जाते हैं, जो रुपयों के लालच में कानून, इंसाफ, उसकी मर्यादा, कानून की डिग्री और अपने ईमान तक को बेच देते हैं। I strongly object, Your Honor. ये एक बहुत ही बेबुनियाद और बेहुदा इल्जाम है। No, Your Honor, ये बेहुदा इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। It's a fact. और इसे मैं अदालत के सामने साबित करके रहूंगा। I'll prove it. Milord, फकीरा जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बहुत मासूम है, बिल्कुल बेगुनाह है और पता नहीं क्या क्या है, उसे पेशावर मुजरिम और कातिल साबित करने के लिए मेरे पास एक ऐसा गवाह है, एक ऐसा सबूत है जिसे सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जिसे देखकर कानून के नाम पर धांधली करने वालों और ऐसे खतरनाक और पेशेवर मुजरिमों को पनाह देने वालों के होश हो जाएंगे। मिलॉर्ड, आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले कोमल सूरी के केस ने सारे शहर में सनसनी फैला दी थी, एक तहलका मचा दिया। हाँ, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। मगर मिस्टर प्रकाश, कोमल सूरी के मुकदमे से इस फकीरा की जमानत का क्या संबंध? संबंध है मिलॉर्ड, गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। और उसी को साबित करने के लिए अदालत में मैं एक गवाह को पेश करना चाहता हूं। कौन है वो गवाह? मिलॉर्ड, इससे पहले कि मैं उस गवाह का नाम बताऊं या उसे अदालत में पेश करूं, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि यहां बैठे किसी भी शख्स को अदालत के बाहर ना जाने दिया जाए। जब तक इस खास गवाही की सुनवाई पूरी ना हो, इस कोर्ट रूम के बाहर कोई नहीं जाएगा। Bring them here. मेरा नाम कोमल सूरी है, जिसे पुलिस ने पिछले अक्टूबर अजय मकवाना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जिसकी बेगुनाही का एडवोकेट भूरेलाल को पूरा यकीन था, क्योंकि वो उसके डिफेंस लॉयर थे। मगर असली कातिल से इन्होंने एक बड़ी रकम वसूल की थी, मुझे अपनी बातों और झूठी हमदर्दी के जाल में फंसाकर मुझसे एक बार जुर्म करा लिया, ये कहकर कि इसे मेरी सजा कम हो जाएगी। मैं इनकी बातों में आ गई। क्यों एडवोकेट भूरेलाल, क्या ये बात सच नहीं?
जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैं तो इन्हें बचाना चाहता था, लेकिन स्वामी ने मुझे रुपए देकर खरीद लिया। सुन लिया योर ऑनर आपने? अब मैं इस बेगुनाह फकीरा की तरफ आती हूं और चाहती हूं कि वो अदालत को बताए कि दशहरे की उस रात अजय मकवाना पर कातिलाना हमला किसने किया था। बोलो फकीरा, जो कुछ मैंने कहा क्या ये झूठ है? नहीं नहीं, ये सच है। मैंने गोलियां चलाई थी अजय पे, मैंने उसका खून किया है, लेकिन मुझे खून करने के लिए स्वामी साहब ने बोला था और उन्होंने ना जाने मेरे हाथ से कितने खून करवाए। योर ऑनर, स्वामी की बेटी अलका को तो अब तक ये नहीं पता कि उसके पति अजय मकवाना की कातिल मैं नहीं बल्कि खुद उसका बाप है। क्यों स्वामी, क्या ये बात सच नहीं? ये सच है। मेरे कहने पर फकीर ने ये सब किया। योर ऑनर, ये सब आपके मुजरिम हैं। ये सब अपने जुर्म का इकरार भी कर चुके हैं। योर ऑनर, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरी मासूम जिंदगी छीन ली। ये लोग अपनी दौलत के दम पर, अपनी ताकत के दम पर, अपने पेशे के दम पर कानून को गुमराह करते हैं। ये लोग समाज के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, कानून के दुश्मन हैं। योर ऑनर, ये है मिस्टर स्वामी जिन्होंने फकीरा की जमानत के लिए एपीपी मिस्टर प्रकाश को रिश्वत देने की कोशिश की। जी योर ऑनर, स्वामी और इसके गुंडों ने मुझ पर भी कातिलाना हमला किया था, लेकिन कोमल सूरी ने उसी वक्त आके मुझे बचा लिया। इस समाज में स्वामी और फकीरा जैसे लोग कानून के मुजरिम होते हैं, लेकिन एडवोकेट भूरेलाल जैसे लोग, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से समाज में न्याय की मर्यादा का पालन होना चाहिए। योर ऑनर, अगर एडवोकेट भूरेलाल चाहते तो मुझे बचा सकते थे, ये साबित करके कि मुझ जैसी सीधी सादी लड़की के पास जर्मन रिवॉल्वर कहां से आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। योर ऑनर, चंद रुपयों के लालच में आकर एक मसीहा शैतान बन गया, मुझसे मेरी मासूम जिंदगी छीन ली। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसी सजा की दूसरों कोई ऐसा जुर्म करने की हिम्मत ना कर सके। बस आगे का फैसला मैं अदालत पर छोड़ती हूं। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उसके लिए मैंने भी लॉ की डिग्री हासिल की है। मैंने भी कानून की मर्यादा का पालन करने की शपथ ली थी।
मेरी नजर में इस देश के साथ जुड़े हर इंसान के जिस्म पर एक काला कोट होता है, और वो इसलिए होता है कि वो अन्याय की कालिमा को समाप्त करके बेगुनाहों को इंसाफ दिलाए और मुजरिमों को सजा दिलाए। और उस काले कोट के नीचे होती है एक सफेद चमचमाती आत्मा। ये पेशा सिर्फ पेशा नहीं, समाज की सेवा, इंसानी फर्ज। इस समाज के उन सीधे साथ कमजोर और अशिक्षित लोगों को उनका अधिकार दिलाने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। इसकी मर्यादा का सम्मान होना चाहिए, वरना समाज का इंसाफ से भरोसा उठ जाएगा, समाज में मिराज फैल जाएगा। मेरे सामने ये जो मुजरिम खड़े हैं, इनको इनके किए की सजा तो जरूर मिल जाएगी, मगर इन सारे मुजरिमों के बीच सबसे बड़ा मुजरिम है एडवोकेट भुरेला, जिसने कानून का आदमी होकर भी कानून से बगावत की। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, क्योंकि मिस कोमल छुरी का कातिल स्वामी और फकीरा तो है, मगर असली कातिल है भुरेला। Is adjourned for the day. जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहो। जब तक इस दुनिया में तुम जैसे लोग हैं, न्याय का प्रकाश कभी धुंधला नहीं पड़ेगा। मुझे न्याय मिल गया, मेरी भटकती हुई आत्मा को भी शांति मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश।